मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं माय होम विद किचन। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून पिसे हुए, एक चुटकी ज़ीरा, एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी हल्दी और हाफ कप बेसन। और हमने 3-4 आलू लिए, इसे हमें गोल गोल बारीक बारीक काट लिया। 1 कप पानी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। कुटे हुए मिर्च हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून पिसे हुए मिर्च, जीरा, अजवाइन और हल्दी चुटकी चुटकी, एक एक चुटकी मिक्स करेंगे। मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे बेसन में गुठलियाँ ना रहें। थोड़ा और पानी डालेंगे। अच्छे से इसको फेटेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी हल्की हल्की गुठलियां हैं। देखिए गुठलियाँ हमारी ख़त्म हो गई हैं। चलिए जी, हमारा मसाला तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, जो बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए अब हम आलू में इसको डिप करेंगे। तेल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। देखें तेल हमारा कितना अच्छा गर्म है। एक करके इसी तरीके से हमें डालना है। अगर हम सारे आलू बेसन में डिप कर देंगे तो हमने जो बनाया है वो पतला हो जाएगा मसाला। एक एक करके हमें सारे डाल लेने हैं। चम्मच चलाएंगे तो पलटेंगे ताकि चिपके ना।
अब इसे निकालेंगे, मीडियम फ्लेम मीडियम ही रखना है वरना जो हमारे आलू के पकोड़े हैं जल जाएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये बिल्कुल फ्री है। सारे आलू हमने निकाल लिए हैं, ये देखिए हमारे आलू के पकोड़े तैयार हैं।